औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको कायम दायम रखे, अमलियात की दुनिया में आपको कामयाब करे। आज जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ, इसका तल्लक, जैसा कि अगर हम मुसलमान हैं और इसका तल्लक हमसे है, यानी कि रूहानियत का तल्लक हमसे है, ऐसी बात नहीं है। कितने ही जो आउट ऑफ हमारे जो होती हैं कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर भी रूहानियत का तल्लक होता है, ठीक है, अमलियात का तल्लक होता है। और वह हमारे मुल्क से ज़्यादा उन मुल्कों में ज़्यादा इस चीज़ को गाइड किया जाता है, समझा जाता है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो है कॉलेज या फिर ऐसी मतलब स्टडी की जाती है जिनको मुकम्मल, उनके लिए बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होता। बेशक आप सर्च कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो इस चीज़ की तालीम लोगों को, बच्चों को शुरू से ही दे रहे हैं, ठीक है। तो आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, थर्ड आई, सब कामों से आप फारिग हो जाएं, इसके बाद हर तरफ से जहन को हटा कर मुँह हाथ धोकर, और अगर वज़ू नहीं है तो वज़ू करके, अगर किसी नमाज का टाइम है तो नमाज़ अदा करके, गुसल करके आरामदा किसी तख्ते पर, नशिस्त पर, या बेशक अपने बिस्तर पर आप बैठ सकते हैं। बेशक सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप जाए नमाज पर बैठें, ठीक है, जिसको हम अहमियत देते हैं, ठीक है। तो कलाम अल्लाह पढ़ना है, अल्लाह का कलाम पढ़ना है, तो फिर इन चीज़ों का ख्याल रखें। तीसरी आँख जो होती है वो पेशानी पर इस तरह बांध लें, यानी कि आप पेशानी के बीच में, यानी दोनों भवों के दरमियान हल्का सा दबाव डालते रहें। और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये आयत है सूरह फातिहा की, आंखें बंद कर लें और बंद आंखों से ये जिक्र जो है आपने करना है। साथ में खुशबुओं का इस्तेमाल करें, खुद भी देखें, परफ्यूम ये स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, बल्कि मुतबर खुशबुओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अतर ले सकते हैं, इतर ले सकते हैं, ठीक है, कोई और प्यारी फूलों की खुशबू आप ले सकते हैं जो रूहानियत की खुराक होती है। नंबर एक, पास अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। और जब आप अपने दरमियान आँखों में जब पढ़ाई करोगे और हल्का सा दबाव डालोगे, तो आँखें बंद करें और बंद आँखों से पेशानी पर मौजूद तीसरी आँख की तरफ आप मतवज्जा हो जाएं। यानी आप सोचें कि हमारी तीसरी आँख भी हमारे दोनों आँखों के बिल्कुल दरमियान में तीसरी आँख भी है। ये अमल रात को सोने से पहले सिर्फ 20 मिनट आप करेंगे, ठीक है। अगर ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ईशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद ही अमल आप 20 मिनट करेंगे, और बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें, ठीक है। और सुबह जब बेदारी होती है, फजर की नमाज़ के फ़ौरन बाद आप 20 मिनट यही अमल दोहराएंगे, ठीक है, तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आपको कामयाबी होगी। इसको एक तो मुराकबा इसकी सूरत भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा शोरगुल लग रहा है या आपका जहन उस तरफ जो है फोकस नहीं कर रहा, तो आप दो रुई के फपोले लेकर पानी में भिगो लो, और फिर पानी इनका निचोड़ कर अच्छी तरह हल्का सा काली मिर्चों का पाउडर उसके ऊपर, फफोलों के ऊपर छिड़क लो, और इस दोनों को, मतलब कि फफोले जो आप बनाएंगे, यानी जो स्पंज बनाओगे रुई के कॉटन के, वो कानों में आप रख लो, ठीक है। एक मैं आपको एडवाइस, एक इंफॉर्मेशन ये तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे मुल्क से अलहदा जो लोग हैं, यानी रूहानी साइंसदान जो इस चीज़ पर सर्च करते रहते हैं, जिसको वो थर्ड आई का नाम भी उन्होंने दिया है, ठीक है, तो उनका कहना है कि यकीनन अगर ये एक अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है, ये मौजूदा दौर में तमाम लोगों के लिए नेमत का काम है, ठीक है। अल्लाह की रहमत में वो लोग आ जाते हैं जिनको ये नेमत नवाजी जाती है। फिर मराकबे के अलावा अगर कोई शख्स इस आँख के बारे में सोचता सोचता सो जाए, तो इसके तनाव, यानी इसके जो बेनिफिट और इसके इस नेमत की जो रहमत है, ठीक है, अगर इस्लामिक तरीके से लिया जाए तो कई गुना बढ़ जाती है। मैंने खुद भी इसके तजर्बे सैकड़ों मरतबा अपने शागिर्दों पर करवाए हैं, तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 100% कामयाबी और नतीजा भी बहुत ज़बरदस्त इससे हासिल होता है। इसकी बदौलत कई लोगों पर हाजिरी
हमने इसी इसी तरीके को इख्तियार करके बहुत से लोगों के ऊपर या बच्चों के ऊपर भी खासकर हाजिरी करवाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मरतबा करने पे हाजिरी भी उन बच्चों की खुल जाती है। आप भी इसको इस्तेमाल करें, ये चीज़ नफ़े से खाली नहीं है अगर आप सोचें। ठीक है, देखिए मैंने आपको आउट ऑफ जो है जो लोग होते हैं यानी कि हमारे मुल्क से इस्लाम से इससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे बिल्कुल इसी तरह के जो है स्कूल्स कॉलेज और इस तरह की क्लासें देना भी शुरू की हुई हैं। देखिए हराम जादू है, हलाल हराम में तमीज़ करें ना तो देखेंगे आप कि हराम जो है जादू करना या तावीज़ गंडे करना, ठीक है, ये सब किसी जगह पर ये नहीं लिखा कि लोगों को वज़ाइफ देना, लोगों की मदद करना। लोग आज भी देखें, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था तो आसमान से फरिश्ते आए थे और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो कुएं में से चीज़ें निकाली। उस वक़्त 2 सूरतें जो हैं उतारी गई थी, कुल औज़ु बि रब्बिल फलक कुल औज़ु बि रब्बिन नास, ये दोनों सूरतें तब उतरी थी जब जादू, इससे भी जादू को ख़त्म किया जाता था। तो बहुत सी ये जादू को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना। तो इसी तरह अल्लाह की जो आयतें मुबारक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो सा है आपने सिर्फ 20 मिनट तक पढ़ना है, उसकी तादाद उस 20 मिनट में जितनी भी हो आप वो कर सकते हैं, उसमें कोई पकड़ नहीं है। बिल्कुल कुछ दिन आप ये करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आगे आने वाले दिनों में हम जो है इसके नुकसानात के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, और रूहानी कुव्वत को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था क्यों ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी और तफसील से मैं आपको बताऊँगी। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। सुनने वालों पर लाजिम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हर आमिल के लिए ज़रूरी है कि वो हमजात मुकलात और जिन्नात और हाजरात के और परियों के और फरिश्तों के अमल करने से कबल अपने अंदर रूहानी कुव्वतों को पैदा करे और इससे आमिल के अंदर ज़बरदस्त किस्म की रूहानियत रूहानी कुव्वतें पैदा हो जाती हैं और हाजरात और हमजात मोकलात जिन्नात और परियों वगैरह के अमलियात में या अमल में इंशाल्लाह कामयाबी उनको मिलती है और वो कामयाबी से हमकिनार होते हैं और कभी भी नाकामी नहीं होती। और जो लोग इनका यानी रूहानी कुव्वतों को बढ़ाने का रूहानी आँख का और बातनियाँ का चिल्ला नहीं करते तो वो ही लोग हैं जो कामयाब नहीं होते अमलियात की दुनिया में। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि जो हम शरायत और अमल में तरीका आपको बताते हैं वो तरीका आप इख्तियार करें तो आपके लिए बहुत नायाब है। और अगर एक चिल्ले में आपको रूहानी कुव्वत अपने अंदर महसूस होती है और रूहानियत जाहिर होना शुरू हो जाती है तो यकीन माने आप अमलियात की दुनिया में कामयाब होंगे। नंबर 2, रूहानी कुव्वतों को बुलंद करने के लिए आज मैं जैसे कि पहले भी कहा था कि मैं जो अमल आपको बताऊं और जो तरीका और शरायत बताऊं वो आप लाजिम करें। शरायत नंबर 1, जगह बिल्कुल पाक साफ हो, आप भी पाक साफ हो, गुसल आपने किया हो, जनाबत से आपने परहेज किया हो यानी गंदगी से आप दूर हों। नंबर 2, आप जब भी रूहानी कुव्वतों को महसूस करें या अपनी आंखों को बंद करें उससे पहले एक तरीका इख्तियार करें। तरीका वो ये है कि जब भी आप मराकबा रूहानी कुव्वतों को यानी रूहानी आंख बातनी आंख और तीसरी आंख का अमल जो आपको बताया जाए करना शुरू करें तो उससे पहले रुई के 2 फफूले स्पंज 2 फवे लेकर पानी में हल्का सा डिबो लें यानी पानी में उनको भिगो लें, पानी छिड़का लें और पानी निचोड़ कर बहुत मामूली सा काली मिर्चों का पाउडर उस फफोलों पर आप लगा लें और उनको मसल कर कानों में रख लें। ये आपके लिए रूहानियत को उजागर करने के लिए
एक नायाब तोहफा है, अगर कहें तो नेमत और रहमत है। दोनों कानों में जब आप रख लो तो ये आपको थोड़ी सी गर्मी, जलन और दुनियावी लोगों की आवाज़ों से दूर रखेगी और आपकी जो अंदर की आवाज़ है वो आपको दूसरी दुनिया में ले जाने का जरिया बनेगी। नंबर 3, अगर आपने अमल करते हुए अपने अंदर ये बात रखी कि पता नहीं ये अमल मजबूत है कि नहीं, ये अमल ठीक है कि नहीं, तो कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। रूहानियत को उजागर करने के लिए रूहानी और जो भी चिल्ला या रियासत आपको बताई जाए और जिक्र जिक्रात बताया जाए उस पर मुकम्मल तवक्कल रखें। सबसे पहले तवक्कल रब मजबूत रखें, अल्लाह पर तवक्कल यकीन कामल, और अल्लाह से एक राबता कायम करने का सोच अपने अंदर रखें तो जल्दी कामयाब होंगे, वरना आपकी रियासत और चिल्ला और अमलियात बेकार हैं। हर इंसान के अंदर रूहानियत होती है, रूहानियत मौजूद होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है, और किसी में इतनी ज़्यादा होती है कि पहले रोज़ ही मुशाहदात नज़र आने लग जाते हैं, लेकिन बाज़ लोगों की देरी होती है, इसलिए उनको 3 चीज़ों का मशवरा दिया जाता है ताकि आप इन 3 चीज़ों की मदद से रूहानियत को उजागर कर सकें। नंबर 5, ऐसे लोग जो असेबी मर्ज में मुबतला हों, दौरों में यानी किसी पर जीरो का होना, मुसल्लत होना, सफली जिन्नात का मुसल्लत होना, ऐसी चीज़ें अगर हों तो वो इन अमलियात से परहेज़ करें और रूहानी कुव्वत वगैरह का भी अमल ना करें, क्योंकि अगर आप फिर अमल करते हो तो ये फिर ख़तरनाक साबित हो सकता है और ख़तरा अजीम हो सकता है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी मरीज़ यानी जिसके ऊपर जादू वगैरह यानी जिन्नात का असर साया पहले भी रह चुका हो ये अमल ना करें। आगे जिस तरह भी आपको तरीका बताया जाए वो आप लाजम इख्तियार करें। जो अमल जिस तरह बताया जाएगा, जैसे ही उसका तरीका बताया जाए, जो जिक्र बताया जाए, आप वही जिक्र इख्तियार करेंगे। इसलिए गलती की किसी किस्म की गुंजाइश ना करें। रूहानियत रूहानी आँख में अगर आपको कहा जाता है कि आप लेट कर, उठ कर, बैठ कर आप ये अमल कर सकते हो, चलते फिरते ये अमल कर सकते हो, तो उसमें आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, इसका आपको फ़ायदा ही होगा।